भर बस वो वही कहती थी। ये लो तुम्हारा गाजर बानिकस। गाजर तो अच्छे ही है, पर असल में मुझे मेरा अपना एक पपी चाहिए। शायद तुम्हें किसी तारे से मांगना चाहिए। ठीक है। ओ टिमटिमाते तारे, क्या मुझे पपी दोगे? और फिर अगली सुबह जब वो उठी, अरे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरा अपना पपी। मैं तुम्हें बम्पी बुलाऊंगी। बम्पी, सबने नीले रंग की पैंट क्यों पहनी है? बानिकस और बम्पी हर जगह साथ साथ जाते। मुझे कुछ गाजर चाहिए प्लीज। बम्पी को गाजर पसंद है। हाँ जरूर, कितना प्यारा है ये पपी। आओ, कितना नन्ना मुन्ना सा। अरे रुक जाओ। बानिकस बहुत खुश थी। फिर एक दिन बानिकस को पता चला कि बम्पी बहुत बीमार है। ओ नो, बम्पी बीमार है। यहाँ आओ तुम सब। बहुत हुआ, तुम जानवरों को कुछ मैनर सीखने होंगे। डैडी वॉल्रस, ऐसा करना बंद करो। पहला मैनर्स है, अरे कुछ ये बिस्किट। पहला है दूसरे बात करते समय बीच में मत टोको। क्वाक। दूसरा मैनर्स है, ए कीड़ा, मैनर सीखते वक्त भागना नहीं। अब तीसरा है, पड़ोसियों को खाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। अरे डैड वॉल्रस कहाँ गए? नहीं। चौथा मैनर्स है, कारपेट के ऊपर बाथरूम नहीं करना। गंदे जानवर, सब बेकार है। मैं तुम सबको फिर से डॉगी बना देती हूँ। मेरी सब्जी कहाँ है? पोई को चाहिए सब्जी। अम 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 अम। नहीं। मजा आ गया। ये कितना नरम और मुलायम है। पोई पोई। ये वाकई नरम और मुलायम है ना छोटी बहना? मानो जैसे हम किसी ब्रेड के स्लाइस पर कूद रहे हो। कैसे पार करेंगे? हाँ ये बहुत ऊंची है। अब हम दुनिया के सबसे मुलायम बिस्तर को कभी नहीं ढूंढ सकेंगे। प्यारी बहनों, कोई तो खुफिया रास्ता होगा यहाँ, बस हमें वो ढूंढना है। अरे हाँ, और अगर हम इसे खुजलाते हैं तो ये दीवार गिरकर नीचे आ जाएगी। हाँ ठीक है, तुम वहाँ से करना। ये सही जगह है। हाँ सही जगह है, बिल्कुल ठीक। चलो जान बचा के भागो। आपने वेल की आवाज क्यों बंद कर दी? हाँ वेल को कुछ देर के लिए चुप रहना है। नहीं रुकिए, नहीं मजा आ रहा था। मॉम डैड वेल की आवाज क्यों नहीं निकाल रहे? शायद उस शक्तिशाली वेल को दूसरे बड़े वाले वेल के सामने आवाज निकालने में शर्म आ रही होगी। अरे ऐसा कभी नहीं होता। नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ओ, चलो समझा करो। ठीक है, वेल वैसे बाद में फिर से बहादुर बन जाएगा। तो फिर ठीक है, डाकू अभी भी वेल के पेट में फंसे हुए थे और बचाने वाला कोई नहीं था। हम तो गए। अरे जरा रुको, मैं जानती हूँ वेल के पेट में से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अरे पर वो डाकू लाइट हाउस के रक्षक की आवाज नहीं सुन सके, क्योंकि वो तो वेल के अंदर थे जो पहले से आवाज करता था। अरे नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। रोलर स्केट्स अच्छे हैं, बैंडेज। खुद की मत सोचो, तुम्हें परियों के श्राप को नाकाम करना है। ठीक है, बस एक बात है। सुनो फ्रोजन बिंगो, अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ करना। डैड जब ऐसा करते हैं तो बुरा लगता है ना? इतना याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं डांस का बादशाह हूँ। काम कर रहा है।
नहीं चाहती हो परियों। एक हाथ निकला। अब तक मन नहीं भरा तुम्हारा। हेलो, रुको, हमने पैसे तो रखे ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है, पैसे नहीं होगे तो तुम खरीदोगे कैसे? अरे हाँ, वो भी है। ये गोल वालों को सिक्के बनाते हैं और बाकी सब बिल्लियों की मिठाई। जैसा तुम कहो। ये लो मैकेंजी, ये तुम्हारे रुपए। चलो अब शुरू करते हैं। डिडिंग हेलो, रुको, तुम बिल्ली के लिए एक बर्थडे केक मांगोगे पर मैं कहूँगी सॉरी खत्म हो गया और फिर तुम दुखी हो जाना। बर्थडे केक? लुई, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास बर्थडे केक हो। ठीक है, हमारे पास बर्थडे केक है मगर तुम दुखी हो जाना क्योंकि ये तुम्हें पसंद नहीं है। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। अब शुरू करते हैं। डिडिंग हेलो हेलो, क्या आपके पास? रुको, मुझे नहीं लगता बिल्लियाँ बात कर सकती है। सचमुच? हाँ, बिल्लियाँ बात नहीं कर सकती। जब तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना होगा। म्याओ 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 म्याओ। बिजी हो ब्लूई? नहीं अभी नहीं, ये सब्जी और चिप्स की दुकान है। पर सब्जी खत्म हो गई है तो फिर चिप्स है। अच्छा, बस थोड़ा सब्र करो। पूरी रात नींद नहीं आई। सॉरी कोको। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। हाँ बिल्कुल, लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। जानते हो, सब्जी और चिप्स की एक दुकान यहाँ पास ही में खुली है। तुमने सुना रोड्रिक, हमें जाके देखना होगा। ये बहुत अच्छा है। मैं घर बना रहा हूँ, इसमें एक कमरा नीचे और एक ऊपर होने वाला है। बहुत अच्छे, शायद इंडी रहने के लिए एक घर ढूंढ रही थी। और टेरियर्स ने एक और किला बनाया है। हमरो मन है। देख रही हूँ। और तुम इस राज्य की सुरक्षा कर रहे हो? हाँ टीचर। बहुत खूब, आपको सुरक्षा की जरूरत है? अभी तो नहीं, शुक्रिया। हम आ गए, यही वो गांव है जहाँ मैं बड़ी हुई। यहाँ दयालु रानी के बच्चों के लिए बहुत सारा खाना मिलेगा। ये क्या सब चला गया? यहाँ पहले फलों के पेड़ हुआ करते थे, आखिर क्या हुआ? लालची रानी ने सब कुछ मिट्टी बना दिया। प्यारी राजकुमारी। परी दादी आप? हाँ मैं ही हूँ। उस लालची रानी ने फलों के पेड़ों को मिट्टी क्यों बना दिया? शायद उसे मिट्टी पसंद होगी। किसी को उसे रोकना होगा वरना खाना ही नहीं मिलेगा। तुम क्यों नहीं रोकती? मैं इतनी बहादुर नहीं। तुम बहादुर हो, तुम्हारा दिल बड़ा है मेरी राजकुमारी। ये लो, ये खजाना लो, इसमें जादू है, इससे तुम लालची रानी को हरा सकती हो। माफ करना, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे तुरंत घर लौटना होगा।